हेलो गाइज, वेलकम टू आर चैनल फ्लेम बेस्ट। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग और डोमेन ले सकते हो इस वेबसाइट से। गाइज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है और गाइज प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ और मैं खुद बाय करके उसे एक्टिवेट करके आप लोग को बताऊँगी कि कैसे आप लोग ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग और डोमेन। गाइज, ये वेबसाइट सही है या नहीं आप लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? तो पहले आप लोग देख सकते हो, ये एड आप लोग देख सकते हो, ये आज की ही एड है। इन लोगों ने एड कैंपेन रन करी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। गाइज, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो वीडियो को कम्प्लीट देखो, आप लोग को सारी की सारी स्टेप पता चल जाएगी कैसे आप लोग बाय कर सकते हो कैसे नहीं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके आप लोग इस साइट के अंदर आ जाना। जैसे ही आ जाओगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को बेसिकली मिलेगी फ्री होस्ट और यहाँ पे पेड होस्ट, यहाँ पे आप लोग को बेसिकली देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे फ्री होस्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा, गेट फॉर फ्री होस्ट। जैसे ही फ्री होस्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ओपन हो के आ चुकी है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को लेना पड़ता है, आप लोग की होस्टिंग लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आप लोग को दिया जा रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसिकली यहीं से 100 MB स्टोरेज आप लोग को मिल जाएगी ये फ्री वेब होस्टिंग में, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। उसके बाद यहाँ पे 2 MB ईमेल एड्रेस, 2 FTP अकाउंट, सेल्फ बैकअप आप ले सकते हो। और ये प्रीमियम की बात करें, $0.01 के अंदर आप लोग को ये अनलिमिटेड चीज़ें मिल रहा है। आपकी मर्जी, अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो $0.01 दे के लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बट आज के इस वीडियो के मोटो है जो कि मैं आप लोग को फ्री में होस्टिंग लेके दिखाऊंगा। तो गेट फॉर फ्री के ऊपर मैंने क्लिक करा, तो जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पे आपके सामने ये जो डैशबोर्ड ओपन होके आ चुकी है। तो सिंपल, अगर आप लोग के पास डोमेन ऑलरेडी है, अगर आप लोग के पास ऑलरेडी डोमेन नहीं है तो यहाँ से आप लोग उन लोगों की डोमेन को बाय कर सकते हो। बट मैं आप लोग को बोला था कि आप फ्री डोमेन, बट ये आप लोग को फ्री सब डोमेन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप लोग की नेम डालो और यहाँ पे देखो चूज कर सकते हो आप लोग को कौन सी सब डोमेन चाहिए। ओके, इन लोगों के पास 2 सब डोमेन पड़ी हुई है, जो भी सब डोमेन चाहिए उसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोई सा भी मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। माई प्रोडक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड करा और ये सब डोमेन को मैंने चूज करा और उसके बाद चेक के ऊपर क्लिक करा। जैसे चेक के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.00 USD यहाँ पे आप लोग को देखने को बेसिकली मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे देख सकते हो ये फ्री फॉर एवर और यहाँ पे व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंट, ये आप लोग को फिल करना पड़ेगा, क्यों आप लोग ये अकाउंट लेना चाहते हो। तो बेसिकली मैं टेस्ट पर्पस के लिए लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। और अवेलेबल एडन, अगर आप लोग फ्री स्पीड एंड सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन लेना चाहते हो तो बेसिकली ले सकते हो। ये दोनों को यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्यों आप लोग का रीज़न क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग फ्री स्पीड सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप लोगों को बिना किसी भी रुपए देने के बाद भी आप लोग को ये फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू की ऑप्शन देखने को बेसिकली मिल रहा है ना, सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग को चेकआउट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सिंपल चेकआउट के ऊपर क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। ओके, मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। तो भाई, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ना आप लोग की पेमेंट की मेथड को चूज़ करोगी और आई हैव एग्री एंड रीड योर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करोगी और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगी। तो जैसे ही कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे ना, इन लोगों की जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर ऑर्डर नंबर इज़ इतना, यहाँ पे आप लोग को देखने को बेसिकली मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग को कोई भी मतलब पेमेंट करने को नहीं पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हो चुकी है हमारा। और यहाँ पे कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया के अंदर मैं क्लिक करा, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग आ जाओगे सिंपल
गोगी होस्ट की जो क्लाइंट एरिया के अंदर आ जाओगी, और इसके अंदर आप लोग जो भी सर्विस बाय करी होगी यहाँ पे आप लोग को बेसिकली देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने डोमेन बाय करी होगी यहाँ पे डोमेन देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने होस्टिंग सर्विस बाय करी होगी तो यहाँ पे आप लोग को होस्टिंग सर्विस देखने को मिल जाएगी। ओके, तो उससे पहले आप लोग को सिंपल आप लोग की ईमेल आईडी के अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे ही जाओगी आप लोग की ईमेल आईडी के अंदर एक मेल आया होगा। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद आप लोग इसके अंदर आओ, तो जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सर्विस के अंदर क्लिक करोगे तो हमारे पास एक सर्विस है जो कि हम लोगों ने बाय कराया था फ्री होस्टिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये डोमेन था, ये सॉफ्ट डोमेन था, और हमारी होस्टिंग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। बट आप लोग जैसे ही बाय करोगे ना यहाँ पे आप लोग को पेंडिंग देखने को मिलेगा। ओके, तो पेंडिंग देखने को मिलेगा तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ये आप लोग की अकाउंट को मैन्युअली वेरीफाई करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई स्पैमी मतलब कोई टेम्प मेल यूज़ करी होगी तो ये अप्रूव नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, आप लोग की जो भी ईमेल होगा आप लोग उससे ही यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नया ईमेल चाहे तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग टेम्प मेल यूज़ करोगी तो ये अप्रूव नहीं होगा, आप लोग को ये होस्टिंग नहीं मिलेगी। ओके, तो जैसे ये अप्रूव हो जाएगी लगभग 8 से 24 आवर के अंदर आप लोग की जो होस्टिंग है अप्रूव हो जाएगी, मतलब एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव हो जाएगी ना तो सिंपल आप लोग अभी ये होस्टिंग को यूज कर सकते हो। तो सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मैनेज प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैनेज के ऊपर क्लिक करोगी तो आप लोग के सामने इस तरह की एक इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो सिंपल इसके अंदर आप लोग को बहुत सारी ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप लोग की डिटेल्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो सिंपल आप लोग के पास एक ईमेल आया होगा, जैसे ही आप लोग की जो होस्टिंग है ना अप्रूव हो गया होगा, जैसे ही एक्टिवेट हो गया होगा ना, तो सिंपल आप लोग स्पैम फोल्डर पे जाके चेक करो, वहाँ पे आप लोग को एक मेल मिलेगी, जिस मेल के अंदर आप लोग को मिलेगी आप लोग की आईडी, आप लोग की पासवर्ड, और यहाँ पे जो सी पैनल की है ना उसकी लिंक आप लोग को मिल जाएगी। ओके, तो उसके ऊपर क्लिक करोगी और आप लोग सी पैनल पर एंटर कर जाओगी, और आईडी पासवर्ड वगैरह भी वहाँ पे दिया गया है। ओके, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट एडमिन करके एक ऑप्शन आ रहा है ना, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करोगी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट एडमिन करके एक ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगी। जैसे ही क्लिक करोगी ना तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगी। ओके, तो जैसे ही आ जाएगी यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगी, यहाँ पे वर्डप्रेस देखने को मिल जाएगी। सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करोगी, जैसे ही वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करोगी यहाँ पे इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आ रहा है, सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा जो भी आप लोग की मतलब डोमेन नेम और साइट की नेम, यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को फिल करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मैं हाइड कर लेता हूँ, और ओके, और उसके बाद आपके हिसाब से आप लोग यूजर नेम रखो, आप लोग के हिसाब से आप लोग पासवर्ड भी रखो। तो मैं आप लोग को ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ओके, आपके हिसाब से आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, स्ट्रॉन्ग यूजर नेम रखो। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी थीम आप लोग को ऐड करना है उसे सिलेक्ट थीम करो, और इंस्टॉल के ऊपर सिंपल क्लिक करोगी। तो जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपकी जो वर्डप्रेस है ना इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही समय के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगी, तब भी आप लोग क्या कर सकते हो उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी जो वर्डप्रेस है ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी ये रही हमारी जो लिंक वेबसाइट की लिंक, और यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल। तो सिंपल हम लोग एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे मैंने क्लिक करा तो हमारा जो वर्डप्रेस की एडमिन पैनल यहाँ पे आप लोग को बेसिकली देखने को मिलेगी। और आप लोग को पता है कि कैसे आप लोग सारी की सारी कस्टमाइजेशन वगैरह, पोस्ट वगैरह लिखना, पेज वगैरह क्रिएट करना, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहीं पे आप लोग को मैनेज करने के लिए मिल जाती है। ओके, तो गाइज आशा करता हूँ आप लोग को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और होस्टिंग भी आप लोग को मिल गया होगा। और भी कुछ प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते। अगर आप लोग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है ना तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो, जो भी आप लोग की क्वेरी होगी हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें रह गया होगा। और यहाँ पे आप लोग नॉट सिक्योर जो कि SSL सर्टिफिकेट को अगर आप लोग को एक्टिवेट करना नहीं आती है ना,
तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, हम लोग वो उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो आई होप आप लोग को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते रहते। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।